कबाड़े में फेंक देते हैं, लेकिन ये नहीं पता ये कितने काम की चीज़ है। चलिए तो हम कबाड़े में तो उठा के सेट ऑफ बॉक्स को बनाकर दिखाएंगे। जी डी फीडिस का सेट ऑफ बॉक्स है, इसकी आप बॉडी देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से, इसकी बॉडी है बिल्कुल पुरानी सी लग रही है, लेकिन ये सेट ऑफ बॉक्स हमारा बहुत काम का है। इसे हम पूरा सेटअप करेंगे और इसे चला कर दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे हमें ठीक किया। तो चलिए तो इसे का काम शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी कुछ इस पावर सप्लाई है, वो भी हमने यहाँ से उठा ली है। इस तरीके से बहुत सारा कबाड़ा पड़ा है यहाँ पर, इसमें से निकाल के जो सेटअप बॉक्स की पावर सप्लाई यहाँ हमने रख लिया। और इसी तरीके से कोई एक हम कार्ड ले लेंगे, इसमें से इतने सारे कार्ड हैं इन कबाड़े में से, ये कार्ड हैं हमने 8-10 कार्ड हमने उठा लिए यहाँ से इन कार्डों में से उठाकर, और देखेंगे कि कौन सा कार्ड हमारा सही है। जो सही होगा वो ही इसी बॉक्स सेटअप बॉक्स में लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं पहले जो पावर सप्लाई है उसे चेक कर लूँगा कि हमारी ठीक है या ख़राब, क्योंकि पहले ठीक चेक करना सही है, क्योंकि अगर वो ख़राब निकली तो आपकी मेहनत है। तो इसकी जो मेन सप्लाई वो हमने दे दी यहाँ पर, मेन सप्लाई देने के बाद मीटर से सारे वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि प्रॉपरली सारे वोल्टेज बन रहे हैं। तो आपको मैं वोल्टेज चेक करें नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी आपको मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको बताऊँगी। देखिए जॉइंट आपस में जॉइंट करूँगा, स्पारिंग है वो होगी इसमें। तो गाइस इसमें आप गौर से देख रहे हैं, स्पारिंग अभी हुई थी, तो यानी कि जो हमारी पावर सप्लाई है वो तो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर सब में आपको मैं चेक करा दूँगा, लेकिन आप ऐसे नहीं, बहुत गौर से देखना पड़ेगा। इसकी पावर सप्लाई ठीक है, लेकिन इस पर कार्ड लगा के आपको दिखाऊंगा ये पावर सप्लाई वो यही काम करेगी। देखिए कुछ पावर सप्लाई की कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये हमारी कबाड़े से उठा कर रहे हैं, इसलिए इसकी हालत वैसी हो गई है, इसे अब ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से सेट कर लेना है, और इसमें मैं कार्ड लगाऊंगा और इसे चलाकर आपको दिखाऊंगा मैं। तो पहले तो इस यहाँ पर सेटअप बॉक्स में सप्लाई को लगा लेंगे, और सप्लाई को लगाने के बाद इसमें जो कार्ड है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मेन सप्लाई इसकी मैंने लगा दी है, और यहाँ पर जो हमारा कार्ड है इसमें से जो हमारे इतने सारे कार्ड हैं इनमें से कोई एक कार्ड छाटेंगे, अगर कोई एक कार्ड सही होता है उस कार्डों को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पर कार्ड आपको दिखा देता हूँ। ये सेटअप बॉक्स है, यहाँ सप्लाई लगी हुई, मीटर रखा है, लेकिन सारा सेटअप है वो हमने बनाकर पहले से ही रख लिया है, जिससे कि वीडियो है वो लॉन्ग नहीं हो पाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको कर लेनी है। यहाँ आप देख पा रहे हो सेटअप बॉक्स है, मैं कार्ड है वो मैंने लगा दिया। यहाँ पर एक कार्ड था वो हमारा सही निकला आया। अब मैं सेटअप बॉक्स में जो लाइट है आप देख पा रहे हो, जो लाइट है वो आ गई है, और जो सिग्नल चेक कराऊंगा मैं आपको, जो सिग्नल है वो यहाँ पर देखिए 83 में जो मोड है वो भी वर्क कर रहा है इस पर। और यहाँ पर देखिए सिग्नल मैंने लगा दी, चार दिखा रहे हैं मैं। अब जो तार होता है इसमें बॉक्स में, तो केबल होती है LMB से होकर नीचे आई होती है, उस LMB को यहाँ पर लगाऊंगा, और LMB वायर को यहाँ लगाऊंगा, जैसे ही सिग्नल है वो यहाँ बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से LMB जो वायर वो मैंने उठा लिया है, और यहाँ पर LMB वायर लगाऊंगा, पीछे लगा दिया यहाँ पर LMB वायर यहाँ पर इस तरीके से कुछ। और जो सिग्नल आप देख पा रहे होंगे इसके सिग्नल हम एकदम से बढ़ जाते हैं जैसे यहाँ पर मैं लगाता हूँ। यहाँ देखिए 0.45, यानी कि जो वायर सही से नहीं लगा, जैसे ही सही से लग जाएगा सिग्नल एकदम से बढ़ जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे वायर ठीक से वैसे ही मैंने लगाया, वैसे यहाँ पर सिग्नल है वो 43-42 होने लगी, यानी कि हमारा जो सेटअप बॉक्स है एकदम प्रॉपरली तैयार हो चुका है बनके। इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, और इस बिल्कुल फ्री में इसका मज़ा ले सकते हैं, जो कि हमने कबाड़े से उठाकर एक सेटअप बॉक्स बनाकर दिखाया है। तो यहाँ पर लगा कर टीवी यहाँ पर चला कर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से हमारा बॉक्स काम कर रहा है।